नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि अगले 20 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर की जो कश्मकश चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और जो एक नया फार्मूला बना है उसके तहत 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। 1 कार्यकारी अध्यक्ष दक्षिण से और दूसरा उत्तर भारत से बनाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस फार्मूले पे पार्टी के भीतर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले 70 सालों में भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त कांग्रेस जिस तेज गति से देश भर में अपना विश्वास खो रही है, अपना जनाधार खो रही है, उसे ये लगता है कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जल्द ही सच्चा हो जाएगा, वास्तविकता का रूप ले लेगा। अब कांग्रेस की 2 ही राज्यों में सरकार सिमट के रह गई है, ये भी आप जानते हैं, जहां उसको बहुमत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जनाधार घटा था और उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस 4थे नंबर पे है और कहिए कि सत्ता के लालच में उसने वहाँ शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार चलाने की एक असफल कोशिश भी की। इसी तरीके से झारखंड में भी कांग्रेस वोटों और सीटों के हिसाब से 3रे नंबर पे है। वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस में शामिल आए दिन झड़पें होती रहती हैं, तरह तरह की बातें बाहर निकल के आती रहती हैं। अच्छा, ताज़ा जो घटनाक्रम है वो बिहार में कहने को महागठबंधन सरकार की सहभागी है, लेकिन वहाँ भी वो 4थे नंबर पे है। कांग्रेस से यूँ समझे कि लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन ना होने के कारण और बहुत सारे बड़े नेताओं के पार्टी से बाहर चले जाने के कारण उसका जो स्टैंड है वो कमज़ोर होता जा रहा है, पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। पिछले कुछ समय में यूँ कहिए कि काफ़ी दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, राजनीतिक हलके में कांग्रेस से बदतर हालत का जिम्मेदार पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में बताया जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा सबको दिखने लगा है। दरअसल 2019 के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और ये जो प्रक्रिया है अभी तक चल रही है। और अगर इसमें समय रहते इसके लिए नहीं सोचा गया तो उसके जो मतदाता हैं उनकी संख्या घट करके कहाँ तक नीचे गिर जाए, ये मतलब सोचने की बात है। अच्छा, जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए गठित संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा। पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा कि 26 अप्रैल को हिमाचल कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी का प्रमुख बनाने के बावजूद आज तक उनकी कोई भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है और बीते दिनों दिल्ली और शिमला में हिमाचल चुनाव को लेकर के कई बैठकों में भी उनको पूछा नहीं गया, उनकी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इस अपमान की बात वो अपने दिल में दबाए हुए हैं, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अहम पद से इस्तीफा दे दिया है, ये इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। शर्मा पहाड़ी राज्य के सियासी हाल को लेकर के कह रहे हैं कि केवल और केवल उनके ही समर्थक भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, उनको कहना चाहिए कि उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि भाजपा के शासन वाले राज्य में कांग्रेस ऐसे समय दोबारा तैयार होने की कोशिश कर रही है
जहां आम आदमी पार्टी भी अपनी एक्टिवनेस बढ़ा रही है, सक्रियता बढ़ा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा को 26 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और एक तरह से देखा जाए तो उनका नाम हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं में माना जाता है। इस समय वो अपने आप को काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोनिया को एक पत्र भी लिखा, उसको कोई गौर नहीं, उनके पत्र पे कोई गौर नहीं किया गया। अच्छा, अगर हम देखें तो जिस तरीके से हिमाचल में गुटबंदियां चल रही हैं, गुटबाजियां चल रही हैं, ऐसे में कांग्रेस को अगर कुछ समेट के खड़ा है तो वो मिस्टर शर्मा ही है। हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रतिभा चौहान को दी थी और पार्टी को उम्मीद थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके पति की विरासत पार्टी को जोड़ के रखेगी। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि पार्टी में जो इंटरनल क्लैशेस हैं वो अभी भी जारी है। ये मतलब आनंद शर्मा के जो पत्र है उनका, उससे भी स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने अपने पत्र में कई समितियां होने की परेशानियां गिनाई और कहा कि चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर के हिमाचल कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं की बैठक दिल्ली और शिमला दोनों जगह हुई, लेकिन उन्हें इसमें बुलाया नहीं गया, मतलब उन्हें बताया तक नहीं गया। और आनंद शर्मा पहली बार 1982 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और कई बार राज्यसभा के सदस्य और पार्टी के कई अहम पदों पर रहे हैं। और आनंद शर्मा का इस्तीफा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आया है। हिमाचल में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिससे लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसी हुई है। ऐसे में ये जो इस्तीफा है, ये क्या मतलब, इस साल और कई लोगों ने कांग्रेस से अपने अपने आप को अलग कर लिया है, ये सब चीजें कांग्रेस को डुबाएंगी। और एक और बात सामने आ रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कहना है कि आनंद शर्मा और वो निजी जीवन में दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति से आनंद शर्मा का इस्तीफा उनका निजी फैसला है। मेरा उनसे जुड़ाव मतलब कि वो यूनिवर्सिटी के जो छात्र राजनीति होती है तभी से वो दोस्त हैं। और जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि आनंद शर्मा ने उनसे पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन निजी तौर पे हम एक दूसरे को जानते हैं और हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं। खैर, संभावनाएं कुछ भी हो, जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है कि इस समय पार्टी में क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊं, कपिल सिब्बल कितना बड़ा कद है उनका, और इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बीते काफी समय से वो आलाकमान के साथ थोड़े से नाराज चल रहे थे और कपिल सिब्बल ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बैठक के बाद कांग्रेस नेतृत्व पे कई सवाल उठा दिए थे। और सिब्बल कांग्रेस पार्टी में व्यापक सुधारों पर जोर देने वाले विद्रोही ग्रुप G23 के एक प्रमुख मेंबर हैं थे। और सिब्बल काफी समय से न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधते रहे हैं। अब आते हैं सुनील जाखड़ के। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। और सुनील जाखड़ को कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने पे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये तमाम चीजें हैं लोगों को नाराज करने के लिए। हार्दिक पटेल हैं गुजरात में, हार्दिक पटेल ने पार्टी के लिए काफी कुछ किया लेकिन पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। हार्दिक ने अपने जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसमें राहुल गांधी पे तंज कसते हुए ये कहा था कि जब उनसे मिले तो शीर्ष नेता मोबाइल फोन पे व्यस्त थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा कि कोई उनसे मिलने आता है, वो किस तरीके से
दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। अब मैं बात करती हूँ अश्विनी कुमार की। कानून मंत्री पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इस साल की शुरुआत में फरवरी में कांग्रेस से अपना सालों का 40 साल का रिश्ता ख़त्म कर लिया। उन्होंने भी अपने अलग होने का रीज़न ये बताया कि जो कुछ भी चल रहा है पार्टी में वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, गरिमा के अनुरूप है। और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये भी कहा कि कांग्रेस को वो पतन की ओर जाते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो पार्टी में इतने पुराने लोग हैं और वो जब ये कहते हैं कि वो पार्टी को पतन की ओर जाते हुए देख रहे हैं, तो सच में कांग्रेस की हालत पित्तरस आता है। आरपीएन सिंह को देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और 32 साल से वो कांग्रेस में थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो पार्टी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग अंदर से आहत हैं जो कांग्रेस की पॉलिसीज हैं उनको लेकर के। जयंती नटराजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है जयंती नटराजन ने 30 जनवरी 2015 को कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उनके खिलाफ खैर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और पार्टी छोड़ते वक्त राहुल गांधी और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं पर बलि का बकरा बनाने का आरोप उन्होंने लगाया था। खैर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जी के वासन है, ज्योतिराव सिंधिया, तो काफ़ी उन्होंने सुर्खियां बटोर ली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय ही मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो टकराहट शुरू हुई थी आखिरकार सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर जाकर के ख़त्म हुई थी। और अगर एक्सपर्ट्स की बातों पर गौर करें तो इसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था ये, और आज भी कांग्रेस उस झटके से उभर नहीं पाई है। टॉम बड़क्कन है, तकरीबन 20 सालों तक सोनिया के बहुत खास रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ दी। रंजीत देशमुख महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख ने संगठन पे कुछ बातों को कह करके पार्टी को छोड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चौधरी बीरेंद्र सिंह है, काफ़ी कद्दावर नेता है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी 2014 में। सबके अपने अपने दर्द हैं। रीता भावना जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं, बड़ा जलवा होता था उनका, बड़ा इकबाल हुआ करता था, लेकिन 2016 में उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस के ही कई लोग बड़े हैरान हो गए थे। बाद में वो बीजेपी के टिकट पर लखनऊ से विधायक बनती हैं और उनके पिता हेमवती नंदन भावना कांग्रेस के दिग्गज नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में कुछ उनके मतभेद होते हैं और 2015 में वो पार्टी छोड़ देते हैं। इस तरीके से विजय और रीता बहुगुणा 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। विजय बहुगुणा की बहन उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया, बाद में वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। नारायण राणे हैं, कभी शिवसेना के बहुत बड़े नेता रहे नारायण राणे ने। 2005 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, लेकिन फिर वो 2017 में पार्टी से अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जतिन प्रसाद, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इन सब लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया। और पार्टी में बचा क्या? आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष रहेंगी, राहुल ने मना कर दिया है, तो इस बात के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक जिसे कह सकते हैं कि क्रीम, वो पार्टी से निकल चुकी है, अब पार्टी में कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि पार्टी के लिए आए दिन बैठकें होती हैं, नतीजे कुछ नहीं निकलते, गुटबाजियाँ हैं और दिन प्रतिदिन
कांग्रेस रसातल में जा रही है। और ये जो बात है कि कोई फार्मूला बना रही है पार्टी, इसके कोई मायने नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो आपको टेक्स्ट करने में थोड़ा सा वजन पड़ सकता है, आपको थोड़ी मशक्कत लग सकती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें या ना करें। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।